उनको किडनी प्रॉब्लम था, काफ़ी जगह से घूम गए थे, परेशान हो गए थे, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तो नेट पर हम सर का सर्च किए, पंकज सर्च का देखे तो उसमें पूरा एक्सरसाइज आया कि यहाँ होता है इलाज। हम आए सर से मिले, सर बोले कि ऐसा ऐसा प्रोसेस है, लग जाओ। तो मेरा यहाँ इलाज हुआ, हम ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, खाना वाना भी अच्छा खा रहे हैं, चल भी रहे हैं, बॉडी भी ठीक ठाक। किडनी की बीमारियों का 50% पेशेंट्स में कोई लक्षण होता ही नहीं है। जब पेशेंट किसी दूसरी बीमारी के कारण डॉक्टर को दिखाने जाता है और जांच के क्रम में ये पता चलता है कि पेशेंट को किडनी की खराबी है, ये सबसे कॉमन है। लेकिन किडनी की बीमारियों का अपना लक्षण भी होता है बाकी 50% लोगों में, जैसे पैर का फूलना, चेहरे का फूलना, पेशाब का कमी होना या पेशाब ज़्यादा होना, रात में बार बार उठ करके पेशाब करना, भूख कम लगना, उल्टी होना, बार बार हिचकी आना, कमर में दर्द होना, तो ये सब कॉमन सिम्टम है, चेस्ट पेन होना। तो किडनी की बीमारी किसी प्रकार के सिम्टम को लेकर प्रेजेंट कर सकती है। एक हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन होना चाहिए कि यह पेशेंट को लगता है कि किडनी की खराबी है, उसका जांच करा कर देखा जाए। उसमें जैसे पेशाब करते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि पेशाब करते हैं तो फेन टाइप का हो जाता है, झाग हो जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है कि पेशाब से प्रोटीन का लॉस हो रहा है जो कि किडनी की बीमारी का एक लक्षण होता है। तो इसमें तो लक्षण हो गए, और ये ज़्यादा कॉमनली इंडिया में इसलिए हो रहा है कि डायबिटिक्स का नंबर इंडिया में सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इंडिया को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। ब्लड प्रेशर दिन दूनी रात चौगनी रेट से बढ़ रही है ये, प्लस आजकल लैब फैसिलिटीज भी ज़्यादा है तो डिटेक्शन भी ज़्यादा हो रहा है, ये भी एक कारण है। कुछ कंजेनाइटल बीमारियाँ होती हैं, पोस्टीरियर रेट्रल वाल्व है या और भी बीमारियाँ हैं, उसके कारण होता है। फिर कुछ ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, दर्द की दवाएं खुलेआम मिलती हैं हमारे देश में, तो खुलेआम मिलने से लोग को कभी भी दर्द हुआ, दर्द का गोली खा लिए जा करके, बार बार दर्द की गोली खाने से भी किडनी की खराबी होती है। तो ये कॉमन कारण तो यही सब हैं, और उसका निदान जहाँ तक है, निदान जैसा मैंने बताया, एक बार किडनी जब पूरी तरह से फेल कर गई है तो उसका एक ही इलाज है, वो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। और जब तक ट्रांसप्लांट नहीं कोई कराता है तब तक उसको डायलिसिस पर रहना पड़ता है, साथ साथ अगर उसे डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट। किडनी की बीमारी का इलाज अलग होता है हर चीज़ का, किडनी के पेशेंट का डायबिटीज़ और नॉर्मल डायबिटीज़ के इलाज में फ़र्क होता है। सिमिलरली ब्लड प्रेशर की दवाओं का जो चयन करना पड़ता है, तो किडनी के पेशेंट्स का दवा का चयन डिफरेंट तरीके से किया जाता है, तो वो नेफ्रोलॉजिस्ट ही कर सकता है उस चीज़ को। तो ब्लड प्रेशर का इलाज, डायबिटीज़ का इलाज, खून की कमी बहुत कॉमन सिम्टम है इसमें, कमजोरी हो जाती है पेशेंट को, उसके लिए एरिथ्रोपोएटिन, डार्बेपोएटिन इत्यादि इंजेक्शन चलाया जाता है, और कैल्शियम फॉस्फोरस इत्यादि का इम्बैलेंस होता है, सोडियम पोटाशियम का इम्बैलेंस होता है, इन सभी चीज़ों पर इलाज में ध्यान रखना पड़ता है। खान पान में जब तक कोई पेशेंट डायलिसिस नहीं करवा रहा है तब तक उसे लो प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, प्रोटीन कम खाना चाहिए। एक बार पेशेंट डायलिसिस पर चला गया है तो उसे फिर हाई प्रोटीन डाइट लेना पड़ता है, और जब ट्रांसप्लांट करा लिया तो फिर नॉर्मल डाइट वो पेशेंट फिर ले सकता है। ये जो दो पेशेंट जिनका हम लोगों ने अभी लास्टली ट्रांसप्लांट किया है, ये दोनों पेशेंट का किडनी फेलियर था जो कि बाहर में कहीं कहीं दिखा रहे थे, और मेरे पास दोनों पेशेंट जब आए करीब 1-1.5 साल पहले से, उसके बाद कोविड आ गया बीच में, तो हम लोग ट्रांसप्लांट चाह करके भी नहीं करवा रहे थे। उतने दिनों तक हम लोगों ने पेशेंट्स को सप्ताह में 3 बार करके डायलिसिस करके उनका स्वास्थ्य को मेंटेन करके रखा, और जब कोविड का इंसिडेंस कम हुआ तब इनका ट्रांसप्लांट हम लोगों ने किया। दोनों पेशेंट का क्रिएटिनिन जब मेरे पास आए थे तो 15-16 था, और आज उनको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं तो क्रिएटिनिन उनका 1 से भी कम है, 0.9 और 0.98 सी क्रिएटिनिन पर दोनों पेशेंट को हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो पेशेंट आपका ठीक होता है तो इससे अधिक खुशी हम लोगों को भी, इससे अधिक खुशी नहीं मिल सकती है।